राजधानी दिल्ली के सतबरी इलाके में 1000 से ज्यादा पेड़ों की कथित कटाई पर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का एक बयान सामने आया है। बता दें कि अपने बयान में मंत्री आतिशी ने कहा कि हम सतबरी आए हैं जहां रिज के संरक्षित इको जोन में 1100 पेड़ काटे गए हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है कि किसके आदेश पर पेड़ काटे गए हैं। वहीं इसके आगे उन्होंने कहा कि एक और चिंताजनक मुद्दा है, यह है कि ऐसा लगता है कि अधिकारी तथ्य छिपा रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी यह टिप्पणी की है, यह स्पष्ट है कि इन अधिकारियों को किसी को बचाने के लिए ऐसा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट पेश करेंगे। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। आज हम ये सतबड़ी के एरिया में आए हैं जहाँ पे 1100 पेड़ कटे हैं, एक रिज के प्रोटेक्टेड इको जोन में कटे हैं, और ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि कैसे इन पेड़ों को बिना परमिशन के काटा गया, किसके आदेश पे काटा गया। और अब जो और भी ज्यादा चिंता का मुद्दा सामने आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अफसरों द्वारा तथ्यों को छुपाया जा रहा है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी करी, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा अफसरों से कि आप किसको छुपा रहे हो। दूसरा, हमने भी अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में देखा है कि लगातार अफसर बहाने बना रहे हैं, कागज नहीं दे रहे हैं, मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ऊपर से अफसरों को आदेश मिल रहा है, अफसरों को ये डायरेक्शन है कि किसी को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन ये दिल्ली वालों के लिए बहुत चिंता की बात है कि दिल्ली में जब हम हीट वेव के बाद अभी निकले हैं, दिल्ली में जब इतनी पोल्यूशन की समस्या है, तो दिल्ली के सेंसिटिव इकोसिस्टम्स में अगर इलीगली पेड़ काटे जाएंगे और हाईएस्ट अथॉरिटीज द्वारा सैंक्शन होगी, तो फिर दिल्ली वालों के इंटरेस्ट को कौन देखेगा। बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट को अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सामने रखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जिसने भी गलत काम किया है, अगर किसी ने भी परमिशन दी है, इलीगली दी है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये दिल्ली का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मैटर है, ये ना सिर्फ आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के लिए अहम है, ये देश में लोकतंत्र के लिए अहम है। हमारा देश एक लोकतंत्र है, संविधान ने हमारे देश में जनता को ताकत दी है सरकार चुनने के लिए। तो अगर एक चुनी हुई सरकार की ताकत छीनी जाती है, तो वो किसी एक मंत्रिमंडल या किसी विधायक की ताकत नहीं छीनी जा रही है, वो जनता की ताकत छीनी जा रही है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हमें इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करनी है, जनता के जनादेश की रक्षा करनी है, तो दिल्ली के सर्विसेज कानून पर, GNCTD अमेंडमेंट एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे हेयरिंग होनी जरूरी है।